साथियों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कृतिका चौबे। केंद्र सरकार की योजनाओं के अंतर्गत आज का हमारा विषय है स्टार्टअप से रोजगार का सृजन। इस विषय पर चर्चा आगे बढ़ाने के लिए हमने हमारे कार्यक्रम में आमंत्रित किया है जी एन अग्रवाल जी को, जो कि एडिशनल डायरेक्टर डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट से हमारे साथ यहाँ मौजूद है। साथ ही हमारे साथ हैं स्नेहा जैन जी, जो कि ट्रेनिंग ऑफिसर हैं डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट ऑफिसर। आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। चर्चा की शुरुआत करते हैं, केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत स्किल डेवलपमेंट क्या है और किस प्रकार युवा इसका लाभ उठा सकते हैं? केंद्र सरकार का जो उद्देश्य है कि भारत की जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसमें जो फॉर्मली स्किल्ड हुए हैं युवा, उनका परसेंटेज 5% ही है, जबकि जो डेवलप्ड कंट्रीज है यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, यहाँ पे स्किल्ड लोगों का परसेंटेज मोर देन 50-60% है। अच्छा। तो केंद्र शासन और सभी राज्य सरकारें ये चाहती हैं कि उनका जो युवा है वो ऐसा कोई हुनर सीख लें या ऐसी योग्यताएं सीख लें जिससे वो खुद का जीविकोपार्जन भी कर सकें और उनकी सीखी हुई स्किल जो उद्योग हैं उनके काम भी आए। जी, इसलिए केंद्र सरकार द्वारा स्किल डेवलपमेंट एक स्किल इंडिया अभियान चलाया हुआ है और इसके लिए बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है सर। स्किल डेवलपमेंट में कौन कौन से कोर्स आते हैं आप हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं? स्किल डेवलपमेंट में मैम अगर हम देखें हमारे चारों तरफ जहाँ पे भी कोई हुनर लगता है, कहीं भी देख लीजिए आप, जैसे अपने घर में ही हम देखें कि हम जो कपड़े पहनते हैं उनकी स्टिचिंग, जो हमारा घर बना है उसमें जो ब्रिक का काम हुआ है, टाइल्स का काम हुआ है, इलेक्ट्रिकल फिटिंग का काम हुआ है, या जो अप्लायंसेस हैं, फ्रीज हैं, टीवी हैं, कूलर हैं, इनके रिपेयर का काम है, तो जितने भी हम देखते हैं उन सब में स्किल की आवश्यकता होती है, चाहे उनके मैन्युफैक्चरिंग में, मैन्युफैक्चरिंग के बाद में उनको रिपेयर करने में। बिल्कुल। तो स्किल डेवलपमेंट के लिए सारे सेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल एग्रो प्रोसेसिंग है, फूड प्रिजर्वेशन है, आईटी है, ब्यूटी एंड वेलनेस है, हेल्थ केयर है, तो ऐसे तमाम जो सेक्टर हैं, टूरिज्म है, इन सब में स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चल रहे हैं। हमारे साथ साथियों स्नेहा जैन जी यहाँ मौजूद हैं, जो कि एक ट्रेनिंग ऑफिसर हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि मैम स्किल डेवलपमेंट का ये जो क्षेत्र है उसमें गर्ल्स के लिए क्या कोई स्पेशल कोर्सेज हैं? गर्ल्स के लिए बहुत कोर्सेज हैं, जैसे कि ब्यूटी टेक्नोलॉजी, फैशन टेक्नोलॉजी, आईटी में गर्ल्स बहुत अच्छा कर रही हैं जी। और बाकी आजकल तो जो कॉमन जो मैकेनिकल ट्रेड्स भी हैं, जो कोर ट्रेड्स हैं, जैसे मशीनिस्ट, सीएनसी मशीन वगैरह, उस पर भी गर्ल्स बहुत अच्छा कर रही हैं। बिल्कुल, कहना गलत नहीं होगा कि लड़कियां हर क्षेत्र में आगे हैं और हर सारे स्किल डेवलपमेंट के जितने कोर्सेज हैं उनका बहुत अच्छे से लाभ उठा रही हैं। सर, स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में यदि जो लड़कियां हैं वो कोई ऐसा स्पेशल कोर्स उनके लिए अवेलेबल है कि उन्हें दूर जाकर कहीं ट्रेनिंग ना लेनी पड़े और जो उनका निजी क्षेत्र है वहीं उन्हें कोई ट्रेनिंग प्राप्त हो जाए? जी, इसमें मध्य प्रदेश सरकार की ये योजना है कि जितने भी ब्लॉक्स हैं मध्य प्रदेश के, हर ब्लॉक में आईटीआई हो, हर ब्लॉक में ट्रेनिंग सेंटर हो जी। तो आज की अगर हम स्थिति में देखें जो 313 ब्लॉक हैं उसमें 46 ब्लॉक्स को छोड़कर सभी ब्लॉक्स में आईटीआईज हैं और शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के जो कोर्सेज चलते हैं केंद्र सरकार की योजना के हों या राज्य सरकार की, तो जो डिपार्टमेंट है वो ये कोशिश करता है कि जहाँ पर आईटीआई नहीं है या जहाँ पे ट्रेनिंग की सुविधा नहीं है, तो जब वो ट्रेनिंग प्रोवाइडर को लक्ष्य आवंटित करते हैं, टारगेट देते हैं, तो ऐसे स्थानों को विशेष करके चिन्हित करते हैं कि वहाँ पे वो अपना ट्रेनिंग सेंटर खोलें और ट्रेनिंग दें, ट्रेनिंग ले सकें। मैम से पूछना चाहेंगे, मैम RPL और STT क्या है और युवा किस तरह इससे लाभ उठा सकते हैं? तो केंद्र सरकार की योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो 2016 से 2020 तक फर्स्ट फेज में रन हुई है और अभी 2021 में सेकेंड फेज चालू है, उसमें RPL रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, मतलब जो युवा कुछ हुनर रखते हैं जैसे कि कारपेंटर या इलेक्ट्रीशियन,
इस तरह के मतलब जो ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं लेकिन कोई सर्टिफाइड नहीं है। अच्छा। तो उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करता 2 दिन का 12 घंटे का ट्रेनिंग देके उनको एग्जाम लेके उनका असेसमेंट होके सर्टिफिकेशन प्रोवाइड हो जाएगा, तो उससे उनको जॉब के बेहतर अवसर मिल सकते हैं। उसी तरह से शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग जो है वो 300 घंटे के कोर्स, लगभग 300 घंटे के कोर्स, तो वो अगर वो लोग कर लेते हैं तो वो कुछ एक प्रॉपर सर्टिफिकेट उनको SSC नेशनल मतलब गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट मिलता है जिसके बेसिस पे वो लोग आगे जॉब कर सकते हैं। सर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कोर्सेज के बारे में हमने मैडम से सुना, सर क्या है ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कोर्सेज और कौन कौन से कोर्स आते हैं इन दोनों कैटेगरीज में? जी, जो 1 साल से 2 साल की अवधि के कोर्स होते हैं और ITI के माध्यम से जिन्हें संपादित किया जाता है जी, वो लॉन्ग टर्म कोर्सेस होते हैं। ITI बहुत फेमस टर्म है, बिल्कुल 1950-55 से पूरे इंडिया में ITI के माध्यम से ट्रेनिंग दी जा रही है। उसके बाद चूंकि ITI में पूरे इंडिया लेवल पर अगर हम देखें तो 146 कोर्सेस हैं। अच्छा। किंतु स्किल जो पर्टिकुलर जॉब रोल्स हैं वो बहुत सारे हैं। अच्छा। तो इसी को दृष्टिगत रखते हुए फिर शॉर्ट टर्म कोर्स डिज़ाइन किए गए। अच्छा। इनकी संख्या लगभग 2300 हैं। अच्छा। और शॉर्ट टर्म जो कोर्सेस होते हैं वो उनका ड्यूरेशन कम होता है, 15 दिन से लेके 9 महीने तक जी। तो जो भी युवा अपनी चॉइस का जो भी कोर्स करना चाहें और छोटा सा कोर्स करके शॉर्ट टर्म का और अपनी जीविकोपार्जन कर सकते हैं। दर्शकों बहुत अच्छी बात बताई हमारे आज के एक्सपर्ट ने कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो कोर्सेज हैं, जिसमें शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो 15 दिन की अवधि के होते हैं उसके द्वारा आप अपना स्किल डेवलपमेंट करके भी प्लेसमेंट के ऑप्शंस ला सकते हैं। सर प्लेसमेंट की क्या प्रोसीजर्स होते हैं आप हमें बताएं? प्लेसमेंट के लिए जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं जी, तो ITI के माध्यम से जो लॉन्ग टर्म कोर्स में प्रशिक्षण देते हैं जी, तो सारी ITIs में जितनी भी MP की हैं हमने प्लेसमेंट ऑफिसर्स नियुक्त किए हुए हैं। अच्छा। तो ये लोग कोशिश करते हैं कि जो भी ट्रेनिंग पास आउट हुए हैं ITI से जी, तो उनका कैंपस आयोजित करते हैं। अच्छा। जो भी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे भी इनकी रिक्वायरमेंट है उनको कैंपस में बुलवाते हैं, फिर रोजगार मेले लगाते हैं जी, स्पेशल ड्राइव आयोजित करते हैं। अच्छा। और जैसा आपने पूछा था कि महिलाओं के लिए, गर्ल्स के लिए, तो स्पेशल ड्राइव हम गर्ल्स के लिए भी आयोजित करते हैं। तो हमारा जो प्लेसमेंट का जो फिगर है अगर उसको हम देखें तो लगभग 15-20% उसमें गर्ल्स होती हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात बताई हमारे एक्सपर्ट ने कि प्लेसमेंट की बहुत अच्छी ऑप्शंस और अवेलेबल होते हैं युवाओं के पास। मैम जैसे कभी कोई युवा पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराता है तो उसके बाद क्या प्रोसीजर्स होते हैं, क्या प्रोटोकॉल होता है, वो हमारे दर्शकों के साथ बताएं। तो पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन, ऐसे जो हमारा स्किल इंडिया का पोर्टल है उस पर रजिस्ट्रेशन के बाद कैंडिडेट को कुछ पहले काउंसलिंग किया जाता है कि वो कौन से कोर्स लेना चाहते हैं। उसके बाद वो जो कोर्स अगर सिलेक्ट कर लेता है उसके बाद उसका ओरिएंटेशन किया जाता है, कुछ दिन उसको बताया जाता है कि उस कोर्स में वो लोग क्या क्या पढ़ेंगे। अगर शॉर्ट टर्म कोर्स है तो 300 hours to 400 hours जो भी उनका कोर्स ड्यूरेशन है उसके कैलेंडर ईयर अकॉर्डिंग उनका सिलेबस सेट किया जाता है। सिलेबस सेंट्रल गवर्नमेंट से जो अफिलिएटेड सिलेबस है वही होता है। अच्छा। और एग्जाम पैटर्न, एग्जाम भी सेंट्रल गवर्नमेंट SSC के थ्रू ही किया जाता है, यानी कि एक प्रॉपर काउंसलिंग की जाती है युवा की कि किस क्षेत्र में वो आगे बढ़ सकता है। मैम क्या स्किल डेवलपमेंट का जो कोर्स है उसके लिए क्या कोई मिनिमम एज लिमिट या मिनिमम क्वालिफिकेशन होना आवश्यक है? मिनिमम एज लिमिट इसमें 14 years, उसके ऊपर कोई भी कैंडिडेट हो सकता है। और मिनिमम क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कोर्स, जो सिलेबस जो ट्रेड वो लेते हैं उसके अकॉर्डिंग 10th पास या 12th पास भी अगर हो तो वो लोग स्किल डेवलपमेंट में आ सकते हैं। आ सकते हैं। सर स्किल डेवलपमेंट का ये जो अपना कोर्स है इसमें कुछ युवा ऐसे भी होंगे जो UG अंडर ग्रेजुएशन के कोर्सेज कर रहे होंगे या PG परस्यू कर रहे होंगे, तो क्या वो अपने क्वालिफिकेशन के साथ साथ अपनी डिग्री के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, रोजगार की संभावना उनके लिए? जी जरूर बढ़ सकते हैं जी। अभी आपने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है तो इस एजुकेशन पॉलिसी में तो ये प्रावधान ही किया गया है कि स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं और कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं ये अपनी फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ एक या दो ऐसे स्किल डेवलपमेंट, स्किल के कोर्स करें, हुनर सीखें, ताकि अगर वो हायर एजुकेशन में ना भी जाएं
तो जो उन्होंने स्किल सीखी है उसके आधार पर वो रोजगार प्राप्त कर सकें, और इसको तो गवर्नमेंट बढ़ावा दे रही है। तो इसमें ये तो कोई मतलब चांस ही नहीं है कि कोई कॉलेज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी उसका अपोज करें। बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे आज के एक्सपर्ट ने दर्शकों की, आप स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में यदि आगे बढ़ना चाहते हैं तो किसी भी तरह यूनिवर्सिटी आपके ऊपर बंदिश नहीं लगा सकती या कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है यूनिवर्सिटी या किसी भी कॉलेज इंस्टीट्यूट के लिए। सर जैसे कि हम बात करें लड़कियों की, तो लड़कियों के लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्किल डेवलपमेंट के कोर्स में? लड़कियों के लिए जितनी लड़कों के लिए अपॉर्चुनिटी है उतनी ही लड़कियों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। अगर हम पॉपुलेशन वाइज देखें तो लगभग 50-50% रेशो है दोनों का, और सारे लड़कियों को इसमें बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जितने भी स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम हैं उसमें 30% रिजर्वेशन भी लड़कियों के लिए किया हुआ है। अच्छा। और कुछ स्पेशल ITIs हैं जो केवल लड़कियों के जिसमें एडमिशन होते हैं। अच्छा। तो और हम ये देख रहे हैं कि जो जो सॉफ्ट कोर्सेस होते हैं जिसमें ज़्यादा मेहनत या वो नहीं होती है। अच्छा। अधिकतर लड़कियां वो कोर्स पसंद करती हैं, किंतु अभी ये देखा जा रहा है कि जो हैवी इंजीनियरिंग वाले कोर्सेस हैं चाहे वो टर्नर हो, मशीनिस्ट हो, फिटर हो, इलेक्ट्रिकल हो, इनमें भी लड़कियां एडमिशन ले रही हैं और कई लड़कियां बहुत अच्छा कर भी रही हैं। आज 50-60-70 हज़ार रुपये पर मंथ तक वो अर्न भी कर रही हैं। सर जैसे किसी क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट का कोई सेंटर नहीं है तो वहाँ के युवा किस तरह संपर्क कर सकते हैं? इसके लिए भारत सरकार की भी एक वेबसाइट है skillindia.gov.in। अच्छा। एक भारत सरकार का टोल फ्री नंबर है 1800123-9626 और स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट है ssdm.mp.gov.in। तो इन पर रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध है, कोई भी युवा इस पर अपना रजिस्ट्रेशन करके और उसके साथ साथ वो अपना सेक्टर भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस सेक्टर के किस जॉब रोल में किस कोर्स में उनको प्रशिक्षण प्राप्त करना है। जी। तो इस तरह से वो प्रशिक्षण उनको प्राप्त करने का मौका मिलता है। सर ट्रेनिंग का क्या शेड्यूल रहता है जब एक युवा रजिस्ट्रेशन कराता है? उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में उनको जो ट्रेनिंग सेंटर रहता है वहाँ पर उनको बुलाया जाता है। जी। फिर वहाँ जो कोर्स अवेलेबल हैं उनके बारे में उनको जानकारी देते हैं, फिर उनसे इंटरेक्ट करके थोड़ा सा ये पता करते हैं कि उनका रुझान किस तरफ है, उनका गोल क्या है, क्या करना चाहते हैं। तो उस तरह से उनको फिर वैसा कोर्स उनको सजेस्ट करते हैं कि आप अगर इस कोर्स में एडमिशन लेंगे तो शायद ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। उसके बाद में जो कोर्स रहता है उसमें पहले तो उनको उसके बारे में एक प्रिलिमिनरी आइडिया दिया जाता है, ओरिएंटेशन दिया जाता है। फिर उससे रिलेटेड जो भी सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं जो उसमें लगने वाले ट्रेनिंग के दौरान टूल्स इक्विपमेंट मशीन्स हैं उनकी जानकारी देते हैं, और फिर जो वीकली पाठ्यक्रम होता है जो कि पहले से डिसाइडेड रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसके अनुसार उनकी ट्रेनिंग होती है। इसमें अगर हम देखें जितने भी कोर्सेस हैं तो जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग का ज़्यादा महत्व रहता है प्रैक्टिकल का। जी जी। थ्योरेटिकल पोर्शन इसमें 30% के लगभग होता है, 70% प्रायोगिक प्रैक्टिकल ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है। सर स्किल डेवलपमेंट का की जो कोर्सेज हैं इसमें SC ST OBC ये जो इन ये जाति के लोग हैं ये इनके लिए क्या कोई विशेष प्रावधान भी है? ज़रूर है, इनमें एक तो एडमिशन में रिजर्वेशन है जी। सभी वंचित समुदाय वर्गों के लिए जी जी। फिर इनको जो लॉन्ग टर्म कोर्सेस हैं उसमें जो फी ITI में ली जाती है वो भी इनकी रिफंड हो जाती है। अच्छा। उसके अलावा इनको स्कॉलरशिप भी दी जाती है, और जो शॉर्ट टर्म कोर्स है वो तो सभी वर्ग के जो युवा हैं सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता। मैम मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि माता पिता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि स्किल डेवलपमेंट के जो कोर्स हैं उसके लिए वे अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं?
देखिए पढ़ाई तो सभी माता पिता जानते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो लोग अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे पढ़ाई करें, 10th 12th ये लग तो इतना बेसिक तो करवाते हैं माता पिता। अगर उसके बाद भी बच्चा जैसे अगर उसका रुझान पढ़ाई में नहीं, ड्रॉप आउट हो जाते हैं बच्चे, तो उसके बाद रोजगार के अवसर स्किल डेवलपमेंट में बहुत है। तो मतलब अगर वहाँ से अगर निराशा होती तो यहाँ स्किल डेवलपमेंट में उनको बहुत सारे अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं। इवन कॉलेज ग्रेजुएट्स के बाद होने के बाद भी अगर रोजगार नहीं मिल पाता तो भी स्किल डेवलपमेंट में आके वो लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं, अच्छा रोजगार ले सकते हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे पेरेंट्स को, माता पिता को? मैं यही कहना चाहूँगा युवाओं से और पेरेंट्स से कि अपने बच्चों को फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ एक या दो हुनर जरूर सिखाएं स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से, ताकि जैसे पहले एक हॉबी होती थी तो हॉबी में हम हमारी रुचि का कोई भी एक्टिविटी करते थे, तो उसी तरह आजकल एजुकेशन में के साथ साथ हमें कोई स्किल के कोर्सेज करने चाहिए। जी जी। और इससे फ़ायदा ये होता है कि जो अगर वो आगे फॉर्मल एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं रख पाए और उसके आधार पर उनको अगर रोजगार नहीं या स्वरोजगार नहीं मिल पाया, तो ये जो स्किल इन्होंने सीखी है इसके आधार पर तो उनको 100% रोजगार मिल ही जाएगा। अच्छा सर, एक सर्टिफिकेट की क्या अहमियत रहती है प्लेसमेंट के लिए स्किल डेवलपमेंट वाले? आप हमारे देखिए ये स्किल तो सीधे सीधे मतलब हुनर जो इनफॉर्मल सेक्टर हैं वहाँ पे तो सर्टिफिकेट की उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, क्योंकि अगर आपको काम आता है तो आप उनके लिए उपयोगी हैं। अच्छा। या कोई आप में दक्षता है, योग्यता है, प्रोफिशिएंसी है, किंतु जो फॉर्मल सेक्टर हैं तो वहाँ पे जो फर्स्ट राउंड का जो स्क्रीनिंग होता है वो सर्टिफिकेट के आधार पर होता है, और आप अगर सर्टिफाइड कोई टेक्नीशियन है जी। किसी चीज़ के एक्सपर्ट हैं तो उसकी अहमियत तो है, तो उसके आधार पर वो उसकी पहचान है, और फिर इंटरनेशनल लेवल पर भी अगर वो जाता है जॉब करने तो वहाँ तो उसको सर्टिफिकेट बहुत काम आता है। सर क्या कोई कैंप लगाए जाते हैं या कोई प्रावधान किए जाते हैं कि प्लेसमेंट हो जाए इन युवाओं का जो उन्होंने स्किल डेवलपमेंट के कोर्स कर रखे हैं? जी जरूर, सब ITI में इनके लिए कैंप लगाते हैं, स्पेशल रोजगार मेले लगाते हैं और तरह तरह के प्रोग्राम करते हैं, और जो कंपनीज हैं जो इनको प्लेस करती है उनको कैंपस के माध्यम से उनको आमंत्रित करते हैं, फिर जब कैंपस आता है कोई कंपनी आती है उसके लिए हम उसकी वाइड पब्लिसिटी करते हैं कि अधिक से अधिक जो ITI पास आउट हैं या स्किल डेवलपमेंट में जिन्होंने ट्रेनिंग प्राप्त की है वो आएँ और प्लेसमेंट में हिस्सा लेके रोजगार प्राप्त करें। सभी ITIs में कुछ कंपनीज के साथ MOU टाइप्स वो लोग करके रखते हैं ताकि अच्छा। हाँ ताकि कैंडिडेट्स आगे मतलब जब जैसे भी पास आउट होते हैं तो उनके साथ मतलब उनको बुला के प्लेसमेंट के मतलब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट के कोर्स में सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद प्लेसमेंट की। मैम जैसे आपने अभी बताया था पेरेंट्स के लिए कि आपने पेरेंट्स को लिए कितना अच्छे से मोटिवेट करा आपने अभी कि किस तरह बच्चों को स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहिए। मैम जैसे अभी सर से हमने सुना कि सॉफ्ट कोर्सेज होते हैं गर्ल्स के लिए, मैम सॉफ्ट कोर्सेज कौन कौन से होते हैं गर्ल्स? सॉफ्ट कोर्सेज जैसे जो गर्ल्स जैसे ज़्यादा पसंद करती हैं कुछ ब्यूटी से रिलेटेड है जो मतलब उनके एक छोटे से एरिया में भी वो लोग कर सकते हैं जी। सुइंग मशीन से रिलेटेड सेल्फ एम्प्लॉयड टेलर वो लोग खुद ही अपना खुद रोजगार, उनको किसी की जॉब करने की भी ज़रूरत नहीं है, स्वरोजगार वो हो गया। और फैशन टेक्नोलॉजी और IT से रिलेटेड जो डेटा एंट्री ऑपरेटर, इस तरह के सिंपल कोर्सेज भी गर्ल्स ले सकती हैं जो सॉफ्ट कोर्सेज कहलाते हैं। या टेली रिटेल सर्विस आउटलेट पे अगर कोई युवती अगर तो उस तरह के कोर्सेज ले सकते हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे पेरेंट्स के लिए कि किस तरह पेरेंट्स को प्रमोट किया जा सकता है, उन्हें मोटिवेट किया जा सकता है इस कोर्स के लिए? पेरेंट्स को अभी मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से बताना चाहूँगा कि अभी जैसे ओलंपिक्स होते हैं वैसे ही स्किल के भी ओलंपिक्स होते हैं, हर 2 साल में वर्ल्ड स्किल कंपटीशन होती है, उसके पहले इंडिया स्किल कंपटीशन होती है। तो अभी जो कंपटीशन इसी महीने हुआ था दिल्ली में इंडिया लेवल का, तो उसमें हमारे मध्य प्रदेश से एक लड़की कुकिंग में ऑल इंडिया लेवल पर उसको गोल्ड मेडल मिला है,
और इसी तरह एक को सोलर टेक्नीशियन में मिला है गोल्ड मेडल, और एक को मिला है इसमें ब्रिक लेइंग में मेडल मिला है, वेब टेक्नोलॉजी में मिला है। मतलब, तो ये लोग जो मतलब पूरे इंडिया लेवल पर, अब ये इंटरनेशनल लेवल पर जो वर्ल्ड कॉम्पिटिशन होगा नेक्स्ट ईयर चाइना में, शंघाई में, वहाँ पर ये पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा। तो स्किल एक ऐसा ऑर्नामेंट है जिसको कि हर किसी को अपने हाथ में पहनना चाहिए। इसके अगर किसी के पास हुनर है तो ये बिल्कुल पक्का है कि उसको कभी भी अपने जीविकोपार्जन में कोई कभी कठिनाई नहीं आएगी। सर, जैसे स्किल डेवलपमेंट के कोर्स से यदि कोई युवा जोड़ना चाहता है तो क्या कोई लोन का भी प्रावधान है कि लोन लेकर वह शिक्षा प्राप्त कर सकता है या ट्रेनिंग ले सकता है? लोन लेने का प्रावधान तो है, और उसके साथ साथ अगर वो उसने ऑलरेडी ट्रेनिंग ले ली है या अपना खुद का स्वयं का कोई, लेने के बाद भी जैसे अगर कोई अपना एस्टैब्लिश करना चाहता जी है, जी जी, तो वो उसके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट की PMEGP स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, तो इसमें वो 1 लाख से लेके और 25 लाख तक का लोन ले सकता है। उसमें 15% से लेके 35% तक सब्सिडी भी है जो लिए गए लोन में। इसके अलावा एक मुद्रा स्कीम है। अच्छा। जो ऑलरेडी किसी का कोई एस्टेब्लिशमेंट चल रहा है जी जी। और उसके लिए अगर वो उसको फंड की आवश्यकता है तो 50,000 से लेके 10,000 तक का इसमें मिलता है। और सबसे अच्छी बात अभी जो मध्य प्रदेश सरकार ने की है, अभी इसी महीने 10 जनवरी को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना लागू की है मध्य प्रदेश में जी। उसके लिए एक पोर्टल भी बनाया है, samast.mponline.gov.in। अच्छा। तो जो भी युवा जी, जो 12वीं पास हैं और जिसके पेरेंट्स की इनकम 12 लाख से कम है। अच्छा। तो वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए 1 लाख से 50 लाख तक का लोन ले सकता है, और सर्विस सेक्टर के लिए 1 लाख से 25 लाख तक। और इस लिए गए लोन में जो उसको इंटरेस्ट मिले लगेगा उसमें भी सब्सिडी है 3% की। तो काफ़ी सुविधाएं गवर्नमेंट द्वारा दी जा रही है। इसी तरह अगर कोई अपना खुद का नया इनोवेटिव कोई आइडिया के साथ में आना चाहता है जी, स्टार्टअप के तहत जी, तो जो स्टार्टअप इंडिया पोर्टल है। अच्छा। उसमें जो इंक्यूबेशन सेंटर है MP में, लगभग अभी 25 इंक्यूबेशन सेंटर MP में काम कर रहे हैं, तो इन सेंटर पर जाकर वो अपने आइडिया को प्रमोट कर सकता है, बढ़ा सकता है, मेंटरिंग प्राप्त कर सकता है, फाइनेंशियल सपोर्ट, टैक्सेशन, जितनी भी वो अपने उद्यम से संबंधित जानकारी चाह सकता है वो उससे मिल सकती है। तो आज अगर हम देखें तो रिसोर्सेस और मेंटरिंग की कोई कमी नहीं है, बिल्कुल, बस केवल एक इच्छा होना चाहिए, बिल्कुल, जहाँ चाह है वहाँ राह है। बिल्कुल। कोई भी युवा अगर वो ठान ले कि मुझे उद्यमी बनना है तो वो बन सकता है। बिल्कुल। मैम, क्या कहना चाहेंगे आप युवाओं से, उन्हें क्या राह दिखाना चाहेंगे कि किस तरह स्किल डेवलपमेंट के कोर्स से जुड़े और अपना रोजगार देखें? तो मैं कहना चाहूंगी कि इंडिया एक युवा देश है, और मतलब अभी जितना युवा हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उतना और दूसरी जो पॉपुलेशन है वो नहीं कर पाएगी जी। तो युवाओं के लिए मैं कहना चाहूँगी कि जैसे सर ने भी बताया कि अगर वो लोग एक ठान लें, अगर एक इनिशिएटिव ले लें कि हमें करना है, तो कुछ भी जो भी उनका हुनर है उसके थ्रू वो लोग बहुत काफ़ी सारी चीज़ें, अच्छे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी ले सकते हैं। गवर्नमेंट उस पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, तो मतलब उनको बैक फुट पे नहीं रहना चाहिए, उनको फ्रंट फुट पे आके ये देखना चाहिए कि हम कैसे आगे अपना, सरकार की तरफ से भी काफी ज्यादा मोटिवेट किया जा रहा है युवाओं को एस्टैब्लिशमेंट के लिए, जिस तरह आपने बताया सर लोन की सुविधा दी जा रही है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे युवाओं से कि किस तरह स्किल डेवलपमेंट करके वे अपना रोजगार देख सकते हैं? इसमें मैम अगर हम देखें जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है इंडिया का, तो इंडिया अभी यंगेस्ट नेशन है। अगर एवरेज एज देखें हम तो हमारे इंडिया की एवरेज एज अभी 30 ईयर्स हैं, जबकि जो UK, US और जापान जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी जो एवरेज एज है वो 40 प्लस है। अच्छा। 40-45। तो आने वाले 20 साल में
जब अगर वर्ल्ड लेवल पर हम देखेंगे जी जी, तो जो वर्किंग एज ग्रुप है 15 to 59, तो उसमें वर्ल्ड लेवल पर 4% का डाउनफॉल हो जाएगा। अच्छा। और वहीं इंडिया की वर्किंग एज पॉपुलेशन 32% बढ़ जाएगी जी। तो इंडिया अभी ड्राइविंग सीट पर है। अच्छा। और वर्ल्ड की स्किल कैपिटल बनने के लिए इंडिया में पूरा उसके चांसेस हैं। तो इस इंडिया के जो जितने भी युवा हैं जी जी। वो अपनी मतलब अपने हुनर को निखार रहे हैं और रिसोर्सेज की जैसा मैंने बताया कोई कमी नहीं है, मेंटरिंग की कमी नहीं है। बस वो ये ठान ले कि हमें कुछ करना है, आगे बढ़ना है इस कंट्री की ग्रोथ में, सोशल डेवलपमेंट में हमें योगदान देना है। बिल्कुल सही कहा सर आपने कि इंडिया एक युवा देश है और इसमें स्किल की कोई कमी नहीं है, तो यदि युवा देखे तो उसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। सर आप दोनों हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों के साथ इतना अच्छा नॉलेज उनके साथ शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों मिलते हैं कार्यक्रम के अगले अंक में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। थैंक यू।